पति और पत्नी, यह संबंध बड़ा खतरनाक है। पति हमेशा यह गलती करते हैं और सोचते हैं कि पत्नी हमारे आगे पीछे घूमे, हमारी जिसमें खुशी है सिर्फ वहीं करें। लेकिन उन्हें पत्नी की खुशी भी समझनी होगी। अगर यह बात समझ ली गई तो बहुत से मसले खुद ही हल हो जाएंगे। चाहे वह पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या दो मुल्कों के मसले हों, सभी हल हो सकते हैं। मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने यह बातें जश्न रेखता के मंच पर कही। उन्होंने अपने और शबाना के रिश्ते को लेकर कहा कि हम दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जश्न रेखता में रविवार को कुछ इस किया कुछ काम सत्र के दौरान अतिक अहमद ने जावेद अख्तर से इसको लेकर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की जब इंतहा हो जाती है तो उसे इस कहते हैं। आज लोग प्रेम या मोहब्बत से परेशान नहीं है, लोग इससे परेशान है। समाज को चाहिए कि लोग हमारे उसूल, रवायत और परंपरा में रहें, और जब वे इससे बाहर जाकर इस करते हैं तो वे उन्हें परेशान करता है। उस इसको ही लव जिहाद जैसा नाम दिया जाता है। मोहब्बत के पागलपन को लेकर होने वाली घटनाओं पर पूछे गए सवाल पर जावेद अख्तर ने कहा कि मोहब्बत क्या है यह बताना मुश्किल है, लेकिन मोहब्बत क्या नहीं है यह बताना आसान है। तरफा मोहब्बत के नाम पर मायूस होकर तेजाब फेंकना या लड़की को परेशान करना तो मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। सीरत से नहीं सूरत से मोहब्बत खुश शक्ल भी है, वो ये अलग बात है, मगर हमको जहीन लोग हमेशा अजीज थे। मोहब्बत पर लिखे इस शेर को पढ़कर जावेद अख्तर ने कहा कि लोग इंसान से नहीं उसके रूप से प्यार कर रहे हैं। जहां पाबंदियां नहीं होती वहां हर एक इंसान दूसरे को इंसान की तरह देखता है। जावेद कहते हैं कि दुनिया भर में जितनी शायरी हुई है वे हम मोहब्बत करने वालों ने की है। बेहतर प्रशासक थे मनमोहन सिंह। जावेद अख्तर ने खुदा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में तुलना करते हुए कहा कि अगर यकीन किया जाए तो सिंह बेहतर प्रशासक हैं। अख्तर ने कहा कि मैं नहीं मानता हूं कि खुदा है, और यदि है तो फिर उसके होते हुए दुनिया ऐसे चल रही है। हम कहते हैं कि मनमोहन सिंह के दौर में बड़े घोटाले हुए, लेकिन सोचिए उनकी कुछ मजबूरियां भी रही होंगी, उनके ऊपर भी कोई और था, लेकिन खुदा के ऊपर तो कोई नहीं है, फिर भी दुनिया ऐसे चल रही है। सूफी संगीत से झूम उठी शाम। मन कुंत मौला या अली मौला, सुफियाना अंदाज में अपनी गायकी से उर्दू के दीवानों की महफिल जश्न रेखता में निजामी बंधुओं ने माहौल को सुफियाना जादू बिखेर दिया। जश्न की आखिरी शाम निजामी बंधुओं के नाम रही, उनकी कव्वाली ने उत्सव में अलग रंग भर दिया। हजरत अमीर खुसरो के गीत छाप तिलक सब छीनी रे मुसे नैना मिलाई के जरिए सूफी संगीत का एक ऐसा जादू चलाया कि हर कोई मदहोश हो गया। निजामी बंधुओं ने अपनी सूफी गायकी के जरिए खुदा से जोड़ने का काम किया। निजामी बंधु हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो से संबंध रखने वाले 750 साल पुराने सिकंदरा घराने के कव्वाल हैं। निजामी बंधुओं ने हजरत अमीर खुसरो को याद करते हुए आज रंग हैरी मां रंग हैरी जैसे गीतों से शाम को गुलजार किया। बंधुओं ने ख्वाजा मेरे ख्वाजा जैसे गीतों से खुदा की इबादत और गहरी इंसानी चेतना से रूबरू कराया और श्रोताओं को मदहोश सा कर दिया। नामचीन कलाकारों ने खुदा और इससे जोड़ती शायरी से भी लोगों का दिल जीता। बड़ी संख्या में लोगों ने इस सूफी महफिल का लुत्फ उठाया। इस कव्वाली की शाम में गीतों का जादू लोगों पर कुछ ऐसा चला कि हर कोई इस जश्न झूमता दिखाई दिया। देर रात तक लोगों ने सूफी संगीत का जमकर लुत्फ उठाया। युवाओं के लिए निजामी बंधुओं ने मेरे रश्के कमर गीत गाया, जिस पर लोगों ने तालियों के साथ निजामी बंधुओं का